आ रही हूँ चिकन अकनी पुलाव। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 300 ग्राम चिकन लिया हुआ है मैंने। ये 300 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। और मैंने सेम 300 ग्राम के करीब मैंने राइस लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक लास्ट साइज़ का प्याज लिया हुआ है, उसको मैंने स्लाइसली चॉप कर लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून लिया है। आप चाहो तो थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक चॉप करके भी ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली हुई है 4 से 5, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप लीजिए वरना रहने दीजिए, बिकॉज़ अकनी में सारे गर्म मसालों का ही टेस्ट होता है। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया हुआ है 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने योगर्ट लिया हुआ है, थिक योगर्ट है, 170 ग्राम है। दही है 1 कटोरी के हिसाब से। और यहाँ पर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। और यहाँ पर सारे गरम मसाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया हुआ है, लौंग ली हुई है, और तेज़ पत्ता है, सिनेमन स्टिक है। तो ये मैंने कैसे 12 12 लिया हुआ है, लौंग और काली मिरी और क्या कहते हैं इसको, ये मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है, ये मैंने ज़ीरा, और 4 मैंने ग्रीन इलायची ली हुई है, 1 मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज लिया हुआ है, उसको मैंने ऐसे ये मोटे मोटे से कट कर लिया है क्यूब्स में। और यहाँ पर मैंने ये कर लिया है, क्या बोलते हैं इसे, धनिया लिया हुआ है, 2 टीस्पून लिया हुआ है मैंने धनिया। और यहाँ पर सिनेमन स्टिक की छोटी सी दो दो ये है स्टिक ली हुई है। और ये 2 मैंने बड़ी इलायची भी ली हुई है, और ऐसी 2, और 2 मैंने स्टार अनिंग्स भी 2 लिए हुए हैं। और इसमें 1 टीस्पून मैं सौफ़ यूज़ कर रही हूँ, सौफ़ मैंने 1 टीस्पून सौफ़ लिया हुआ है। अगर आप चिकन स्टॉक नहीं बनाना चाहते हो तो आप ये मैगी क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चिकन स्टॉक का ही है, आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास में ये है तो। बट मैं ये नहीं यूज़ कर रही हूँ आज, मैं आज चिकन स्टॉक बनाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल लगेगा हमें 2 टेबल स्पून लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए चिकन स्टॉक बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डेगची ले ली है। अब इसके अंदर मैं ये सारे जो गरम मसाले हैं वो इसमें डाल दूँगी, और देन उसके बाद में मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालूँगी। आप चाहो तो इसको बारीक चॉप करके भी ले सकते हो। तो मैंने ये डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी, और मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। ये देखिए 2 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया है। इसे मैं अच्छा बॉईल आने दूंगी, और इसमें सॉल्ट डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब, और इसे मैं अच्छे से बॉईल आने के लिए दूंगी, और देन फिर उसके बाद मैं इसे छान लूंगी। देखिए मैंने ऑयल ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया हुआ है। अभी मैं इसके अंदर इसको ज़ीरा डाल रही हूँ, और ज़ीरा को फ्लटर होने देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज, और इसको हमने लाइट सा कलर नहीं आने देना, बट लाइट सा इसको भून देना है, गोल्डन ब्राउन होने नहीं देना है हमें इसे। तो बस मैं ऐसे देखिए ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ये हरी मिर्च डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा लाइट सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ में मैं इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने बचा के रखा हुआ था। मैंने 1 टेबल स्पून बॉईल करते हुए मैं डाल दिया था, चिकन बॉईल करते हुए अखनी बनाने के लिए। तो इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जब तक कि इसे अच्छे से भून लूँगी, जब तक इसकी जो रॉ स्मेल है वो नहीं चली जाती तब तक ऐसे अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो था उसका भी रॉ स्मेल चले गया है। तो अब मैं इसमें ये कर्ड डाल दूँगी, दही, और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी फॉर एटलीस्ट 2 मिनट। 2 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। इसे आप वाइट पुलाव भी बोल सकते हो, बट इसको अकनी ही बोलते हैं, बट मोस्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको वाइट पुलाव भी बोलते हैं। तो ये मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ अभी 2 मिनट के लिए, फिर देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखो अभी अच्छे से इसका जो कर्ड है वो अच्छा ये हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ये चिकन था इसको मैंने बॉईल कर लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी सारे चिकन, और फिर मैं इसको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए भी इसमें भून लूँगी अच्छे से, और फिर इसके बाद में मैं इसके अंदर राइस डाल दूँगी। बस अच्छे से भून लूँगी, इसको थोड़ा सा कलर आना चाहिए अपना जो अपना चिकन है उसको।
तो अभी 30 सेकेंड्स हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर राइस डाल दूँगी। ये देखिए मैंने वॉश करके राइस लिया हुआ है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी फर्स्ट। सॉल्ट भी डाल देते हैं साथ में और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। अभी जो ये चिकन स्टॉक है वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। मैंने क्या किया था, जो चिकन मैंने डाला था ना, तो उसका जो पानी है उसको मैंने हाफ कर लिया था, वो बॉईल करके वो पानी को। तो आप भी वैसे ही कीजिए, हाफ कर लीजिए। ये देखिए इतना पानी और है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसे भी अच्छा बॉईल आने तक या फिर ये राइस अच्छा पानी पूरा सूखने तक पका लेंगे हम, फिर इसको मैं दम पे रखूंगी। देखिए राइस में जो पानी जो है वो अच्छे से सूख गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको दम पे रख दूँगी। फर्स्ट इसको मिक्स करते हैं अच्छे से एंड देन फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी स्लो फ्लेम पे। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मैं इसको दम पे रख दूँगी, जब तक कि जो भी पूरा पानी है वो अच्छे से सूख नहीं जाता तब तक मैं इसे पका लूँगी। तो इसको मैं स्लो करके एंड देन इसको दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी अच्छे से कुक हो गया है, इसको 5 to 7 मिनट्स ही लगे हैं मुझे, तो मैंने इसको दम पे रखा था और ये अच्छे से कुक हो गया है राइस। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करती हूँ एंड आपको बताती हूँ।